हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर नंबर 7 है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाई एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है? तो इसके दो रीज़न है, दो फैक्टर है, बिकॉज ऑफ टू फैक्टर। पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, ये प्लस आई इफेक्ट लिख दिया, एक्चुअल में ये है इंडक्टिव इफेक्ट। और सेकेंड इज स्टेरिक इफेक्ट। दो फैक्टर है जिसकी वजह से एल्डिहाइड कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो पहले हम समझते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को। देखो, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे कीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, तो जो भी यहाँ पे एल्काइल ग्रुप होगा दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन को देने का काम करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को देने की वजह से क्या होगा, जो कार्बन में प्लस चार्ज होगा, जो कार्बन का प्लस चार्ज का एम्पलीट्यूड होगा वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो जो प्लस चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इसीलिए क्या होगा, ये कम रिएक्टिव होगा क्योंकि इसको जरूरत नहीं है रिएक्शन की ज़्यादा। जबकि जो दूसरा केस है एल्डिहाइड का, ये हमारे पास है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में केवल एक CH3 ग्रुप है, यानी एक ही डोनेटिंग ग्रुप है। हाइड्रोजन ना तो इलेक्ट्रॉन देता है ना लेता है, तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो इसका जो प्लस चार्ज होगा वो ज़्यादा होगा। जो प्लस चार्ज होगा किसका, एल्डिहाइड का, तो उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतनी जल्दी रिएक्शन करेगा। तो इसका क्या होगा, ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा प्लस चार्ज का, तो मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतना रिएक्शन जल्दी करेगा ये, क्योंकि उतना पोलर करेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, और पोलर करेक्टर ज़्यादा होगा तो जल्दी से रिएक्शन करेगा। तो पहला रीज़न ये है इंडक्टिव इफेक्ट का, कि जो प्लस आई इफेक्ट होगा जितना ज़्यादा होगा वो इसके जो कार्बन है उसके मैग्नीट्यूड को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। तो एल्डिहाइड में कम होगा डिक्रीज, और जो कीटोन है उसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसीलिए कीटोन कम रिएक्टिव होता है किससे, एल्डिहाइड से। इसका सेकेंड जो पार्ट है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, सेकेंड है इसमें स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस। अब देखो, ये प्लस चार्ज है और यहाँ पे भी प्लस चार्ज है, एल्डिहाइड में भी प्लस होगा, कीटोन में भी प्लस होगा। लेकिन होता क्या है कि जो कीटोन है इसमें दो बल्की ग्रुप लगे हुए हैं, देखो बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, तो जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा वो आसानी से नहीं कर पाएगा, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। तो बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, देखो स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा किसमें होगा, कीटोन में, क्योंकि इसमें दो बल्की ग्रुप लगे हुए हैं। और एल्डिहाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा क्योंकि इसमें एक ही बल्की ग्रुप है, एक छोटा ग्रुप है। तो अगर इसमें कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, देखो ये प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, तो न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन वाला कहाँ अटैक करेगा, प्लस वाले के पास। तो ये न्यूक्लियोफाइल आसानी से इसमें अटैक कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें छोटे ग्रुप लगे हुए हैं, यानी इसका स्टेरिक हिंड्रेंस कम है एल्डिहाइड का, और कीटोन का स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। इसीलिए क्या होगा, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। और जितने बड़े बड़े ग्रुप लगेंगे उतना रिएक्टिविटी स्लो हो जाएगी। अगर मैंने यहाँ CH3 के जगह पे C2H5 रख दिया तो और बल्की ग्रुप हो गया, तो रिएक्शन क्या होगा, स्लो हो जाएगी। तो देखो, सपोज करो ये है C और ये डबल बॉन्ड O है, तो O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, नेगेटिव चार्ज, इसमें प्लस चार्ज। अब सपोज करो यहाँ बहुत बड़े बड़े बल्की ग्रुप लगे हैं, तो जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो आसानी से नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। तो इसमें ध्यान रखना, स्टेरिक हिंड्रेंस यानी रिपल्सन को हम यहाँ पे कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। तो जो कीटोन होगा उसमें बल्की ग्रुप होते हैं, दोनों आर आर ग्रुप लगे होते हैं, जो बल्की होते हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, इसमें ज़्यादा होता है। इसके कंपैरिजन में क्या होता है, ये कीटोन है, कीटोन के अलावा क्या है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में एक ही बल्की ग्रुप लगा हुआ है, दूसरा हाइड्रोजन लगा होता है जो छोटा ग्रुप होता है, हाइड्रोजन सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो आसानी से कर लेता है, किसके कंपैरिजन में, कीटोन के कंपैरिजन में। एल्डिहाइड में जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा वो आसानी से हो जाएगा, इसीलिए एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कीटोन। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है पोलैरिटी, यानी पोलर पोलैरिटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। तो
कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होगा? पोलर होगा. कैसे? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन. तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन में प्लस चार्ज होगा. ये अभी अभी हम डिस्कस कर रहे थे. तो जो चार्ज सेपरेशन होता है इसकी वजह से जो ये CO बॉन्ड होता है ये क्या होता है? पोलर हो जाता है. इसकी वजह से इसमें पोलर करेक्टर आ जाता है और जितना ज्यादा पोलर करोगे उतना रिएक्शन फास्ट हो जाएगी. तो ये है sp2 हाइब्रिडाइजेशन और इसका शेप कैसा होता है? प्लेनर शेप हो जाएगा. तो ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या होगा? पोलर नेचर होता है. इसकी वजह से ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. तो ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज और कार्बन में प्लस चार्ज और इसकी वजह से इसको पोलर चार्ज. पोलर मतलब जब चार्ज सेपरेशन हो जाता है. और इसी की वजह से ये क्या करता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है. तो अभी हम जो इसमें यही लेक्चर है छोटा सा ही है जिसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि कार्बोनाइल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को देता है. तो सब रिएक्शन एक जैसी है तो हम इसे डिस्कस कर लेते हैं. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी कि न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा. जो भी ग्रुप पहले अटैक करता है उसी का एडिशन रिएक्शन माना जाता है. अगर न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. अगर पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ठीक है. तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है. देखो 1, 2, 3 बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्लेनर होता है. तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो किधर भी साइड से कर सकता है. आइदर साइड यानी कि फॉरवर्ड भी, फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी क्योंकि एक प्लेन में है ये. अब प्लेन में तो फ्रंट से भी अटैक हो सकती है और बैक से भी अटैक हो सकता है यानी अबव से भी हो सकता है और बिलो से भी हो सकता है. यानी प्लेन में है तो प्लेन में आप यहाँ पे अटैक करोगे तो फ्रंट और बैक दोनों साइड से इसमें आराम से अटैक हो सकता है क्योंकि प्लेन है. जैसे प्लेन है अब प्लेन में आप चाहे ऊपर से अटैक कराओ चाहे नीचे से अटैक कराओ कोई भी चीज़ क्या होगी प्लेन में है तो यहाँ से अटैक हो सकता है यहाँ से अटैक हो सकता है तो दोनों साइड से अटैक हो सकता है. तो इसमें फ्रंट और बैक दोनों तरीके के कंपाउंड बनेंगे यानी इन्वर्जन भी और कॉन्फिग्रेशन रिटेंशन भी. रिटेंशन एंड इन्वर्जन. तो देखो इसमें पहले मैकेनिज्म आपको बता देता हूँ मैकेनिज्म कैसे होगी और मैकेनिज्म की तरह ही सबके साथ ऐसा ही स्टेप होगा लगभग. ठीक है. कुछ थोड़ा डिफरेंट है अल्कोहल में थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाकी में जितना भी एडिशन होगा लगभग सेम होता है. तो देखो मैकेनिज्म में स्टेप फर्स्ट सबसे पहले देखो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. मैंने कहा था न्यूक्लियोफाइल क्यों? क्योंकि इसमें प्लस चार्ज होगा इसमें नेगेटिव चार्ज होता है. तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? कार्बन पे. तो ये कार्बन से यहाँ पे आसानी से अटैक कर जाएगा. ठीक है. और ये बॉन्ड जो है यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसके पास चला जाएगा. किसके पास? ऑक्सीजन के पास. अब इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं कर रहा है यहाँ पे अटैक? पहले न्यूक्लियोफाइल क्योंकि प्लस चार्ज है. ठीक है. अब ये रिएक्शन स्लो होती है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है. तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा इसके पास क्योंकि पोलर नेचर की वजह से. पोलर नेचर की वजह से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और ये यहाँ चला गया और ये बॉन्ड इसके पास हो गया. तो यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा. देखो सी न्यूक्लियोफाइल ऊपर हो गया इधर से एक ग्रुप दूसरा ग्रुप और ये ओ माइनस क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए तो ये माइनस चार्ज में चला गया. अब देखो सी में चार बॉन्ड हो गए कोई लोन पेयर नहीं है तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है. इंटरमीडिएट जो बनेगा वो टेट्राहेड्रल बनेगा और ये स्लो होती है इसे कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्योंकि स्लोवेस्ट स्टेप है. अब देखो ये माइनस चार्ज हो गया. अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आराम से अटैक करेगा. इलेक्ट्रोफाइल जनरली हमारे पास H प्लस होता है या कोई भी जो प्लस चार्ज होगा वो अटैक करेगा. तो ये रिएक्शन फास्ट होगी क्योंकि माइनस चार्ज है क्लियर कट साइड में है. देखो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है. जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा वो तुरंत माइनस के पास क्या करेगा? अटैक कर लेगा. तो सेकेंड स्टेप बहुत फास्ट होगी और इस तरीके से कंपाउंड बनेगा. टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है एडिशनल प्रोडक्ट. ठीक है. अगर ये कायरल हुआ तो क्या होगा? आर एस दोनों कॉन्फ़िगरेशन इसमें पॉसिबल है क्योंकि ये फ्रंट से भी अटैक कर सकता है बैक से भी. तो अगर एक साइड से आर होगा तो दूसरी साइड से एस होगा. तो इसमें दो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे आर और एस वाले. अगर कायरल कंपाउंड हुआ या कायरल कार्बन हुआ तो जनरली आपको आर एस कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा यानी डी एंड एल फॉर्म. इसको दूसरी लैंग्वेज में हम कहेंगे डी एंड एल फॉर्म मिलते हैं हमें जो ऑप्टिकल आइसोमर में मैंने आपको बताया था डी यानी डेक्सो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी. अब देखो वन बाय वन हम एग्जांपल पे डिस्कस करते हैं क्योंकि सब में एक जैसी रिएक्शन है इसमें.
तो फर्स्ट वन इज एडिशन ऑफ SCN इन बेसिक मीडियम, ठीक है, बेसिक मीडियम में होगा तो ये बनता है साइनोहाइड्रिन इस फॉर्म, ठीक है, आपने ग्लूकोज वाले में भी बनाया था, देखो बेसिक मीडियम मतलब OH माइनस अटैक करेगा SCN के साथ, तो H किसके पास जाएगा, OH के पास, तो H2O यहाँ से बाहर हो गया, और CN में नेगेटिव चार्ज क्योंकि CN ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, तो हमारे पास पहला काम क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल बन गया। फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हमने, न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर दिया, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ही तो अटैक करेगा, तो सबसे पहला काम हमारा क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल बनाना। तो देखो मैकेनिज्म मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, जैसे मैंने सी डबल बॉन्ड ओ ले लिया, ठीक है, यहाँ कुछ भी ग्रुप ले लो, एल्डिहाइड होगा तो यहाँ पे CH3H हो जाएगा, और अगर कीटोन होगा तो यहाँ पे CH3CH3 हो जाएगा, रिएक्शन दोनों के लिए सेम है, इसीलिए हम दोनों की रिएक्शन एक साथ पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। तो हमने कोई भी ग्रुप ले लिया, चाहे एल्डिहाइड ले लो चाहे कीटोन ले लो, तो हमने यहाँ पे दिखाते नहीं है। अब हमने सबसे पहले क्या किया, SCN से रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में क्या होगा, पहले दोनों आपस में कंबाइंड होंगे, OH माइनस और SCN, तो क्या होगा, ये प्लस है इसमें माइनस होगा, ये दोनों मिल गए, H2 बाहर हो गया, यहाँ से हमें क्या मिला, CN माइनस। तो फाइनली हमने देखा कि C डबल बॉन्ड O है और ये रिएक्शन करेगा CN माइनस के पास, ठीक है। अब ये माइनस कहाँ जाएगा, जहाँ प्लस होगा, सीधी सी बात है, प्लस कौन है, ये कार्बन प्लस है, इसीलिए तो हम स्टेरिक हिंड्रेंस देखते हैं कि जितना बल्की ग्रुप होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगी। अब CN माइनस यहाँ गया तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया, क्योंकि इसके पास 4 हो गया, देखो 1, 2, 3 एंड 4, तो ये इलेक्ट्रॉन इसने इसको वापस कर दिया। तो देखो C यहाँ पे ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज, यहाँ CN लग गया, यहाँ दो ग्रुप कुछ भी लगा दो, चलो मैंने एल्डिहाइड दिखा दिया, यहाँ पे एल्डिहाइड दिखा दो, यहाँ कीटोन दिखा दो, क्या फर्क पड़ रहा है। अब क्या होगा SCN में, SCN का मतलब यहाँ से फिर क्या मिलेगा आपको, H+। अब H+ कहाँ जाएगा, H+ जहाँ जाएगा जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव ऑक्सीजन के पास है, तो ये आपकी बार इलेक्ट्रोफाइल अटैक हो गया, यानी इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया। तो ऐड तो दोनों होंगे, देखो एक बार न्यूक्लियोफाइल एक बार इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन जो पहले हुआ वो उसी का एडिशन रिएक्शन माना जाता है, इसे कहते हैं हम साइनोहाइड्रिन। ये क्या है आपका, एसिटाल्डिहाइड, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, इसे कहते हैं साइनोहाइड्रिन। एक सी में CN ग्रुप भी होता है और OH ग्रुप भी होता है, तो इसे कहते हैं साइनोहाइड्रिन, तो ये ध्यान रखना है। और अगर हमने यहाँ पे क्या लिया, एल्डिहाइड लिया है, तो ये हो गया एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ये एसिटाल्डिहाइड है तो एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, इस तरीके से इसके नेम होते। तो चाहे आप इसे कीटोन में लगा लो चाहे आप इसे एल्डिहाइड में लगा लो, एक ही तरह की रिएक्शन होगी। यानी कि अगर हमें डायरेक्ट रिएक्शन दिखाने तो हम डायरेक्ट दिखा देंगे। देखो यहाँ पे मैंने लिखा CH3, यहाँ CH3 लिख दिया, चलो मैंने लिखा यहाँ SCN इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, ठीक है। बेसिक मीडियम में रिएक्शन थोड़ी फास्ट होती है क्योंकि ये जल्दी बन जाता है, अगर केवल आप SCN लोगे तो थोड़ा सा क्या होता है, पुअर यील्ड होता है, क्योंकि जल्दी से न्यूक्लियोफाइल नहीं बन पाता। अब देखो टूटेगा यहाँ से H+, ये माइनस, सीधी सी बात है, माइनस कहाँ जाएगा, प्लस के पास, प्लस कहाँ जाएगा, माइनस के पास, बस ऐड कर दो, इसलिए इसका नाम है एडिशन रिएक्शन। क्या होगा, देखो सी ये ओ के पास OH गया तो यहाँ OH दिखा दो, इस सी के पास CN गया तो यहाँ CN दिखा दो, बाकी जो दो ग्रुप हैं वो सेम रहेंगे, चाहे आप कुछ भी ले लो इनिशियल का, ये सेम रहेंगे। तो इस तरीके से कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, कुछ भी ले लो आप एडिशन में, जो यहाँ पे दोनों पार्ट है वो दोनों यहाँ ऐड हो जाएंगे। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन मैंने कहा था स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करेगा, यानी जितना स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। देखो बल्किनेस, देखो एक सी, यहाँ देखो दो सी, तो इसकी स्पीड स्लो हो गई, यहाँ देखो दो सी, तो और स्पीड स्लो हो गई। जितना ये एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा उतना क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। दूसरा देखो यहाँ पे एक सी, फास्ट, यहाँ पे एक सी, स्लो, यहाँ पे एक सी, दो सी, जितना बल्कि ग्रुप बनाओगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन का तरीका ये है स्टेरिक हिंड्रेंस। ये देखो यहाँ पे CH3 और ये रिंग, यहाँ पे रिंग और H, तो H वाला क्या है, स्मॉल है, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड देखो एडिशन रिएक्शन ऑफ NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट।
ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसमें भी वही पार्ट होगा लेकिन थोड़ा सा चेंज है बस। देखो इसमें क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, इसमें क्या होता है O SO3 Na, O माइनस यहां से जाएगा, इसका मैं स्ट्रक्चर बताता हूं कैसे बनेगा, और इधर जाएगा OH। ठीक है, ऐसे करके देखते हैं एक बार। देखो एडिशन रिएक्शन में सेम किस्सा, हर एक के स्टेप में यही होगा बस। जैसे मैंने कहा Na, और यहां पे क्या हो जाएगा O S डबल बॉन्ड O OH, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा और इस पर होगा प्लस चार्ज। ठीक है, अब क्या होता है, इसके मैकेनिज्म ही बता देता हूँ आपको। अब ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, जहाँ प्लस होगा। अभी बताया आपको ये प्लस है ये माइनस है, और ये प्लस चार्ज कहाँ जाएगा, जहाँ माइनस है। ठीक है, तो सीधा सा स्टेप क्या हुआ, सी यहाँ पे क्या जुड़ गया, ओ एस डबल बॉन्ड ओ एच, और यहाँ पे क्या जुड़ गया, ओ एन ए, सीधी सी बात है। और बाकी यहाँ पे कुछ भी लिख लो, एल्डिहाइड या कीटोन दोनों के लिए चलेगा ये। ठीक, अब क्या होता है कि सेकेंड नेक्स्ट स्टेप में, वैसे स्टेप बाय स्टेप में क्या था, पहले ये अटैच होता फिर ये वाला अटैच होता, तो दो स्टेप हो गए थे। अब क्या होता है, यहाँ पे ये प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर करेगा ये प्लस और ये एन ए यहाँ पे, क्योंकि अनस्टेबल होता है, ये दोनों आपस में ट्रांसफर कर जाएंगे, तो ये एच यहाँ चला जाएगा, एन ए यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका सी यहाँ पे ओ एच, और ये लिखेगा ओ एस डबल बॉन्ड ओ एन ए, और यहाँ पे वही ग्रुप, चाहे आप एल्डिहाइड के लिए लिखोगे तो सी एस थ्री एच, और कीटोन के लिए रखोगे तो सी एस थ्री ग्रुप। बस इसमें ध्यान रखना है कि कीटोन के लिए जो लोअर कीटोन होते हैं, जैसे सी एस थ्री सी ओ ओ सी एस थ्री, ये वाला इसे दे सकता है, हायर वाले इसे नहीं दे पाते, तो आप इसे टेस्ट में भी यूज कर सकते हो, जैसे ये किया मैंने। अब आपको पता है कि ओ के साथ क्या जाएगा, एच जाएगा, और बाकी पूरा ग्रुप किसके साथ जाएगा, सी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसका अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो ओ के साथ तो एच चला गया, और यहाँ पे क्या जाएगा, ओ एस ओ टू एन ए बस, और यहाँ पे एज इट इज़ है, यहाँ तो कुछ छेड़ना ही नहीं है हमने, यहाँ जो लिखा आपने वो सेम है। लेकिन अगर मैंने यहाँ बड़े बल्की ग्रुप लगा दिए तो क्या होगा, इसका अटैक करना मुश्किल हो जाएगा और वो हायर रिएक्शन नहीं दे पाएगा। जैसे मैंने बल्की ग्रुप लगा दिया, चलो C2H5 और C2H5, तो ये बड़ा ग्रुप है ऑलरेडी, और फिर ये भी जो अटैक कर रहा है, देखो ये कौन सा ग्रुप अटैक कर रहा है, माइनस SO2Na अटैक कर रहा है, ये एच अटैक कर रहा है, तो ये भी बल्की ग्रुप और ये भी बल्की ग्रुप है, तो यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। क्यों, क्योंकि ये पहुँच ही नहीं पाएगा, बड़ा ग्रुप है, रिपल्सन बहुत होगा, यानी इसका रीज़न क्या है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, ये बल्की है ये भी बल्की ग्रुप है, तो बल्की ग्रुप आपस में क्या करेंगे, बल्की ग्रुप आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, बल्की ग्रुप आपस में रिपल्सन हो जाएगा, और रिपल्सन होगा तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगी नहीं, स्लो हो जाएगी, लेकिन तो स्लो भी नहीं होगी क्योंकि दोनों बहुत बड़े बड़े ग्रुप होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोअर कीटोन, जिसमें एक कीटोन है बस, एक सी एस थ्री वो दे सकता है, वो इस रिएक्शन को दे देगा, लेकिन अगर हम हायर कीटोन की बात करेंगे तो वो इस रिएक्शन को नहीं देगा। तो इसको हम टेस्ट की तरह भी ले सकते हैं, टेस्ट डिस्टिंग्विश करने के लिए, लोअर कीटोन और हायर कीटोन को डिस्टिंग्विश करना है तो हम इसे टेस्ट के फॉर्म में भी ले सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है, एडिशन ऑफ एल्कोहल इन एसिडिक मीडियम। अब क्या होगा, देखो एल्डिहाइड होगा तो एल्डिहाइड पहले बनाता है हेमी एसिटल, आपको बताया था हेमी एसिटल किसे कहते हैं, कि जो सी होता है इसमें एक ओ आर ग्रुप होता है और एक ओ एच ग्रुप होता है, दैट इज कॉल्ड हेमी एसिटल, एक आर और एक एच होता है, और एक होता है एसिटल, एसिटल ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसमें सी में दो ओ आर ग्रुप होते हैं, एक आर और एक एच होता है, तो उसे कहेंगे एसिटल, तो ये पहचान है इसकी। ठीक है, तो इसमें एल्डिहाइड में हेमी एसिटल और फाइनली एसिटल बनता है, हेमी एसिटल अनस्टेबल होता है तो कन्वर्ट हो जाता है एसिटल में। देखो कैसे कैसे बनता है, उसका स्टेप बता देता हूँ आपको, आर एच सी ओ, फिर हमें पता है इसको कैसे तोड़ना है, यहाँ से तोड़ो, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस के पास,
ये माइनस है, प्लस है, और ये माइनस वाला कहाँ जाएगा? प्लस के पास, ठीक है। तो ये ओ आर डैश सी के साथ लग गया और ये एच ओ के पास लग गया, मैंने डायरेक्ट बता दिया इस समय आपको। अब इसे कहते हैं हेमी एसीटल, फिर दोबारा ये अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा दोबारा। अब क्या होगा, देखो ये प्लस है और ये माइनस है। पहले ये प्लस, क्योंकि एसिड के प्रेजेंस में एसिड इसके साथ मिलेगा और ये H2O बनाएगा और ये पूरा ग्रुप यहाँ से बाहर हो जाएगा, और फिर ये OR- माइनस यहाँ अटैक करेगा और ये बन जाएगा COR- बाकी ये सेम है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होने का। इसे कहते हैं एसीटल, जो ज़्यादा स्टेबल होता है। हेमी एसीटल कम स्टेबल होता है, ठीक है। तो एक बार इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, फिर इसकी मैकेनिज्म बताता हूँ। देखो अभी मैंने RR करके बताया, अब मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O, पहले चलो LDHD ले लिया, फिर यहाँ पे कीटोन ले लो, क्योंकि तो दोनों के साथ कंबाइंड रिएक्शन है, चाहे आप यहाँ पे कीटोन बना लो, रिएक्शन एक जैसे होगी। और यहाँ पे मैंने अल्कोहल ले लो, C2H5OH ले लो, CH3 ले लो, कुछ भी ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये किस में टूटेगा, यहाँ प्लस, ये माइनस का। अब आपको पता है प्लस कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास, माइनस कहाँ जाएगा, कार्बन के पास। तो क्या बनेगा, कार्बन के पास हो गया OC2H5 और ऑक्सीजन के पास चला गया हाइड्रोजन। अब बाकी जो दो ग्रुप थे तो सेम रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होने का। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे कहेंगे हेमी एसीटल, हेमी एसीटल। अब फिर दोबारा मैंने अल्कोहल से रिएक्शन कराई, अल्कोहल से इन प्रेजेंस ऑफ, यानी कोई ये C2H5OH तो अल्कोहल है ही हमारे पास। अब क्या होगा, देखो ये H और ये OH मिलके H2O बाहर हो जाएगा और ये ग्रुप फिर से दोबारा यहाँ अटैच हो जाएगा। तो क्या बनेगा, C, ये है C2H5 और यहाँ पे भी देखो O C2H5, दोनों ग्रुप लग गए और यहाँ से CH3 और H, इसे कहते हैं एसीटल ग्रुप, एसीटल जो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। अब इसके मैकेनिज्म बताऊँगा आपको, हुआ कैसे ये मैकेनिज्म। स्टेप बाय स्टेप समझना आसानी से, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और एक जैसी रिएक्शन है, फिर ऐसी एल्डिहाइड की ऐसी कीटोन की है, दोनों के लिए कंबाइंड हो जाएगा। सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे कुछ भी ले लो, अगर एल्डिहाइड है तो यहाँ पे एच ले लिया, कीटोन होगा यहाँ पे CH3 ले लो, बस रिएक्शन और मैकेनिज्म तो सेम है, क्योंकि जो ग्रुप होगा वो तो इसके साथ हो रहा है ना, इसके साथ कुछ नहीं हो रहा, ये तो सेम रहेगा, ये शुरू में भी था लास्ट में भी रहेगा, यहाँ चेंज हो रहा है। इसलिए ध्यान रखना आपको कि यहाँ पे चेंज हो रहा तो यहीं पे इफेक्ट होगा, बस इसमें कुछ इफेक्ट नहीं होने का, ठीक है। अभी मैंने क्या कहा आपको, एसिड की प्रेजेंस में होगी और एसिड का काम क्या होता है, रिएक्शन को स्टार्ट करने का। तो सबसे पहले एसिड जाएगा, अब ये एच प्लस कहाँ जाएगा, एच प्लस कहाँ जाएगा, जहाँ पे माइनस चार्ज होगा। तो ये एसिड क्या करता है, रिएक्शन को इनिशिएट करेगा, ऑक्सीजन के पास माइनस है, इसके पास प्लस है, तो ये जो एसिड है वो किसके पास चला गया, ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन ने यहाँ इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन देगा इसको। तो यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन के पास प्लस चार्ज आ गया और ये ऑक्सीजन OH बन गया और ये दो ग्रुप सेम रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आने का शुरू से लेकर लास्ट तक में, ध्यान रखना, बस यहाँ यहाँ ही खेल चलता रहेगा। अब ये प्लस चार्ज आ गया, अब मैंने इसमें अल्कोहल डाला था, चलो कोई भी अल्कोहल ले लो आप, C2H5 CH3OH कुछ भी ले लिया आपने, चलो ले लिया C2H5OH, इसमें भी कुछ चेंज नहीं होने का। यहाँ से देखो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, अब ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, यहाँ से जहाँ पे प्लस चार्ज होगा, तो ये प्लस चार्ज, यही तो काम है कैटलिस्ट का, काम क्या होता है, रिएक्शन को स्टार्ट करने का, ताकि ये आराम से घुस सके यहाँ पे, नहीं तो पहले इसको घुसना मुश्किल था, लेकिन अब इसने बिल्कुल प्लस चार्ज दे दिया, देखो प्योर पॉजिटिव चार्ज, तो ये अब आसानी से इसमें अटैक कर सकता है, यानी ये फैसिलिटेट करता है रिएक्शन को शुरू करने के लिए, यही तो काम है कैटलिस्ट का, कि जो इनिशिएट करेगा, नहीं तो कैटलिस्ट के बिना रिएक्शन होती नहीं है। तो तभी हमने कैटलिस्ट डालते हैं या एसिडिक मीडियम डाला हुआ है जो कैटलिस्ट का काम करता है। अब ये आसानी से यहाँ अटैक कर जाएगा, अब देखते जाओ थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बस ये तो सेम रहेगा, यहाँ कोई चेंज नहीं है, यहाँ भी कुछ चेंज नहीं है, यहाँ भी कुछ चेंज नहीं है। अब कौन सा ग्रुप लग गया यहाँ पे, ऑक्सीजन, जब भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा तो इसमें प्लस चार्ज आ गया। अब आपको पता है कि जो ऑक्सीजन होगा वो प्लस चार्ज बर्दाश्त करता नहीं है, तो किस पे गुस्सा निकालेगा, वो जो उससे वीक होगा। आपको पता है हर बार हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं, हाइड्रोजन को बाहर निकालो, इसमें प्लस चार्ज आ गया। तो क्या हुआ, यहाँ यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल गया,
ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो ये फुलफिल हो गया, कह रहा चलो ठीक है अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ओ सी टू एच फाइव, एक ओ आर आ गया, एक ओ आर यहाँ पे आ गया। अब किसकी बारी है, ओ एच की बारी। मैंने क्या कहा था आपको, ओ एच यहाँ से निकलेगा। अब कैसे निकलेगा, फिर यहाँ पे एसिड, क्योंकि एसिड का काम क्या है, इनिशिएट करना। तो ये एच प्लस, फिर जो एसिड है वो काम कर रहा है यहाँ पे, देखो ये एच प्लस किसके पास जाएगा, इस ओ एच के ऑक्सीजन के पास, ये यहाँ से अटैक करेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, इसको अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देने पड़ेंगे ज़बरदस्ती, क्योंकि कैटलिस्ट हमने क्यों डाला है, ताकि वो काम करे। तो यहाँ पे इसमें प्लस चार्ज आ गया, बाकी एज इट इज़ रहेगा, देखो बाकी में कोई चेंज नहीं होने का, बाकी एज इट इज़ है। ये तो शुरू से लास्ट तक, आप चाहे एल्डिहाइड लो कीटोन लो, इनमें तो बेचारों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तभी तो दोनों रिएक्शन एक साथ होती है, चाहे आप एल्डिहाइड के लिए करो चाहे आप कीटोन के लिए करो। अब क्या होगा, ये H2O यहाँ से पूरा ग्रुप निकल जाएगा बाहर, क्योंकि वाटर ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो ये कहता है गुड बाय 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 सॉरी, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। और फिर क्या होगा, यहाँ से OC2H5, और यहाँ पे ये ग्रुप तो शुरू से लेके लास्ट तक सेम थे। अब प्लस चार्ज होगा तो प्लस का फ़ायदा कौन उठाएगा, फिर एसिड ने काम क्या किया, फिर से दोबारा प्लस चार्ज जनरेट कर दिया। अब वो किसको फैसिलेट करेगा, यहाँ पे एल्कोहल को के लिए, तो एल्कोहल तो था ही यहाँ पे, देखो एल्कोहल तो बैठा ही हुआ था कि जहाँ पे भी प्लस होगा मैं अटैक करूँगा। अटैक क्यों करूँगा, इसके पास लोन पेयर है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ अटैक करता है फिर दोबारा। अब अटैक करेगा तो देखो बाकी सब कुछ सेम है, ओ सी टू एच फाइव सेम है, यहाँ पे जो भी ग्रुप लोगे ये तो सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं आने का। ये ऑक्सीजन ने क्या किया है, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है, तो ये ऑक्सीजन से कंबाइंड होगा, इसके पास प्लस चार्ज आएगा, और फिर यहाँ पे सी टू एच फाइव और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब मैंने फिर क्या कहा आपको कि ये ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करता, तो ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज हाईली अनस्टेबल, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और उसी के पास आपने प्लस दिया हुआ है, तो गुस्सा किस पे निकालेगा, जो सबसे वीक होगा। वीक कौन है यहाँ पे, हाइड्रोजन, इसको जल्दी से इससे इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, इसको बाहर निकाल देगा। बन गया, पहले क्या बना था यहाँ पे, हेमिएसिटल बन गया था, देखो एक ओ आर ग्रुप एक ओ एच ग्रुप, एक आर एक एच। अब क्या हुआ, अब दोनों जगह पे ओ आर लग गया, इसको हाइड्रोजन को इसने क्या किया, बाहर निकाल दिया। सिंपल सी रिएक्शन है, देखो ये मैकेनिज्म है, ओ सी टू एच फाइव, इसने एच निकाल दिया बाहर, यहाँ भी ओ सी टू एच फाइव, ये बन गया आपका एसिटल। और ऐसी किस में आता है, ऐसी कीटोन में होता है, यहाँ पे मैंने कीटोन के लिए सी एस थ्री लिखता तो इसे कहते हैं हेमी कैटल या कैटल, ठीक है। तो दोनों की मैकेनिज्म सेम है, तो एक बार ट्राई करके देखो आपको आ जाएगा, बहुत आसान है, लेकिन डायरेक्ट आपके पास आंसर आते हैं कि इसका आंसर बताओ, पर मैकेनिज्म है कि आपको आया कैसे बताने का है। ऐसी केस देखो कीटोन के साथ होगा, कीटोन के साथ क्या है, यहाँ पे कीटोन है सी एस थ्री सी ओ सी एस थ्री। अब मैंने फिर एल्कोहल लिया यहाँ पे, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, आपको मैंने बता दिया एसिड का रोल क्या है, लेकिन जनरली हम इसमें दिखाते नहीं है, क्यों, क्योंकि एसिड क्या होता है, जो भी कैटलिस्ट होता है वो रिएक्शन में आता है, शुरू करेगा लेकिन लास्ट में अनचेंज रहता है, तो इसको हम शो नहीं करते। अब देखो इसमें नेगेटिव चार्ज, इसमें प्लस चार्ज, प्लस किसके पास जाएगा, माइनस के पास, और माइनस किसके पास जाएगा, प्लस के पास, ठीक है। तो यहाँ पे इस सी के साथ क्या लग गया, ओ सी एस थ्री लग गया, और इस ओ के साथ कौन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, तो दिस इज कॉल्ड हेमिक कैटल। कीटोन के केस में हम इसे कहते हैं कैटल, और एल्डिहाइड के केस में हम इसे कहते हैं एसिटल, बस। अब यहाँ पे सी एस थ्री, सी एस थ्री है तो आप समझ जाओगे हेमिक कैटल है, ओ आर और ओ एच। अब फिर हमने क्या किया, एसिड की प्रेजेंस में फिर एल्कोहल तो है ही, तो फिर क्या होगा, यहाँ से ओ सी एस थ्री ग्रुप यहाँ लग जाएगा, और ये ओ एच ग्रुप यहाँ से वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा बाहर। तो क्या हुआ, देखो ओ सी एस थ्री ओ सी एस थ्री, और यहाँ पे सेम है सी एस थ्री सी एस थ्री, इसे कहते हैं कैटल। तो इसकी मैकेनिज्म सेम होती है जैसे अभी एल्डिहाइड की हुई थी, कोई चेंज नहीं है, बस वहाँ पे एच था यहाँ सी एस थ्री है, बाकी सब कुछ सेम है। इसीलिए हम इनकी रिएक्शन को क्या करते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, ताकि अलग अलग ना पढ़ना पड़े। अब देखो आप सॉल्व करके देखो इसे, पहले रिएक्शन में हमने क्या किया, C6H5 लिया और CHO यानी एल्डिहाइड लिया, उसमें हमने एल्कोहल मिलाया CH3OH, एसिड की प्रेजेंस में तो A बनेगा, यानी क्या बनेगा, ये हेमी एसिटल। फिर एल्कोहल है एसिड की प्रेजेंस में क्या बनेगा, फिर बनेगा एसिटल। तो आपने एक बार बना के देखो कैसे बनाते हो। सेकेंड देखो हमने लिया कीटोन ग्रुप C6H5 C2H5 CO कीटोन ग्रुप,
दोनों सीसी हैं कीटोन। फिर हमने अल्कोहल मिलाया एसिड के प्रेजेंस में तो ए बनेगा, इसे कहेंगे हैमी कैटल। फिर अल्कोहल मिलाया एसिड के प्रेजेंस में तो ये क्या बनेगा, कैटल। आपको बनाना है कि कौन कौन से बने, क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा आपके पास, तो इसीलिए कोशिश करके देखो एक बार। नेक्स्ट है देखो एडिशन ऑफ ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल से क्या बनता है, साइक्लिक कैटल इज फॉर्म्ड, साइक्लिक कैटल। ग्लाइकॉल उसे कहते हैं जिसमें दो OH ग्रुप होते हैं एडजेसेंट पोजिशन में, उसके लिए कहते हैं ग्लाइकॉल, और दो कार्बन है तो इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो इन जनरल होता क्या, देखो यहाँ से O निकलेगा और यहाँ से OH OH निकलते हैं, यानी H2O बाहर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ये H निकलेगा, O रहने देंगे, H2O कह रहा मैंने, दो एच यहाँ से निकलेंगे और O यहाँ से निकलेगा, यानी H2O बाहर निकलेगा, इन शॉर्टकट टर्म्स में बता रहा हूँ मैं आपको। और ये ओ इसमें अटैच हो जाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या होगा, देखो CH3 CH3 C, यहाँ ओ CH2, यहाँ भी ओ CH2, और ये दोनों के दोनों अटैच होंगे इस सी से, तो इसे कहते हैं साइक्लिक कैटल, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। इसकी भी मैं आपको मैकेनिज्म बता देता हूँ ताकि आपको आसानी होगी। पहले आपको इसका क्या बता देता हूँ, शॉर्टकट बता देता हूँ, देखो शॉर्टकट। अब यहाँ पे कोई भी ग्रुप ले लो आप, एल्डिहाइड ले लो, कीटोन ले लो, चलो आपने एल्डिहाइड लिया, चलो कीटोन ले लिया, कुछ भी ले लो, यहाँ पे सी लोगे तो कीटोन बन जाएगा, CH3H लोगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, दोनों की रिएक्शन सेम है। यहाँ पे मैंने क्या किया, ग्लाइकॉल से रिएक्शन कराई CH2 CH2 OH से, तो शॉर्टकट मेथड क्या कहता है कि इसका एच निकालो और इसका OH निकालो, H2O को बाहर निकाल दो और बाकी इसे एज इट इज लगा दो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ये इस सी से, देखो इस सी से ये ओ कनेक्ट हो गया, इस सी से ये ओ कनेक्ट हो गया, और यहाँ पे क्या होगा CH2 CH2, बस। और ये दोनों तो सेम रहते हैं, तो मैंने आपको पहले बताया हुआ, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता, यहाँ पे जो आप इनिशियल में लोगे वही यहाँ चलता रहेगा, बस चेंज कहाँ पे होगा, इस ग्रुप में, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म बता देता हूँ आपको, हुआ कैसे ये स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म, लेकिन तरीका ही आता है आपके पास, कॉम्पिटिटिव में भी मैकेनिज्म तो आएगी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत कई बार स्टेप आपको समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, वही है देखो, स्टेप पहले जैसे ही है, थोड़ी सी चीज़ें चेंज होंगी बस, यहाँ पे यही ले लिया, चलो हमने कुछ भी ले सकते हो। पहले क्या होगा, एसिड की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, तो पहले एसिड जगह बनाएगा, तभी तो हम कह रहे हैं एसिड की प्रेजेंस में, नहीं तो हम कहते ही क्यों। तो एसिड का काम क्या, कैटलिस्ट का, किसके पास जाएगा, सीधी सी बात है, प्लस है तो माइनस के पास जाएगा, तो ये इसके पास किया, इलेक्ट्रॉन पेयर इसने दे दिया, तो यहाँ पे कार्बन में प्लस आ गया और ये बन गया आपका OH, और यहाँ पे CH3 CH3, ठीक है। अब हमने किस में किस क्या ग्रुप मिलाया, इसमें ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल इथाइलिन ग्लाइकॉल का मतलब दो OH ग्रुप हैं, और ये CH2 है और ये भी CH2 है और OH है। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ढूंढ ही रहा है ये कौन सा ग्रुप मिले इसे रिएक्शन करने के लिए, तो ये अब ये आसानी से अटैक कर सकता है, यही तो काम है एसिड का, नहीं तो एसिड को पहले क्यों भेजा कि रिएक्शन को जल्दी से क्या करो, फैसिलेट करो हमारे लिए। अब ये यहाँ से अटैक कर जाएगा आसानी से। अब क्या हुआ देखो, यहाँ हुआ CH3 C और ये OH, ठीक है। अब ये ग्रुप यहाँ चला गया O, और यहाँ CH2 और ये भी CH2 OH। अब इसने इसके पास हाइड्रोजन भी अटैच है और यहाँ प्लस चार्ज आ गया। अब मैंने कहा था आपको फिर ये प्लस बर्दाश्त नहीं करता, क्यों, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किसको निकालेगा गुस्सा, जो वीक होगा, इस हाइड्रोजन को इसने बाहर कर दिया, बाकी सब सेम रहेगा। देखो ये दो CH3 तो इसके साथ घूमते रहेंगे, बॉडी गार्ड है इसके, ये जो भी आप स्टार्टिंग में लोगे वो बॉडी गार्ड है, उसी के साथ घूमता रहेगा। यहाँ पे OH आ गया और यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे हो गया O CH2 CH2, यहाँ OH। अब मुझे पता है देखो कि इस OH ग्रुप को निकालना है। अब आप समझ गए होंगे इस OH ग्रुप को हम कैसे निकालेंगे, इसको हटाएंगे ना पहले हम, तो इसको हटाने के लिए फिर क्या आया, एसिड आया H+, उसने कहा चलो ठीक है, इसको क्यों डाला हमने, रिएक्शन को फैसिलेट करने के लिए, कहाँ चला जाएगा, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के पास, और लोन पेयर के पास जाएगा तो इसमें प्लस चार्ज आ गया और ये हाइड्रोजन प्लस क्या हुआ, इसके पास अटैक कर गया, तो इसमें प्लस, अब इसमें दो हाइड्रोजन हो गए।
अब हाइड्रोजन करके ये वाटर करके निकल जाएगा। कभी भी आपको OH हटाना होगा तो एसिड मिला दो उसमें, ये बनेगा पहले और ये आप ये निकलना बहुत आसान है, ये हाईली अनस्टेबल होता है, ये निकल जाता है। बाकी O और यहाँ पे CH2, यहाँ पे भी CH2 और यहाँ पे OH, ठीक है, और यहाँ पे सेम ग्रुप CH3 और यहाँ पे भी CH3। अब होता क्या, देखो ये निकल रहा है तो इसमें प्लस चार्ज आएगा। अब इसके सामने ये O ग्रुप है, ऑक्सीजन ग्रुप है, इसके पास भी तो लोन पेयर है। अब ये अटैक कर जाएगा यहाँ पे, प्लस आया जैसे ही, तो प्लस में ये क्या करता है, ये कहता है मैं आसानी से यहाँ अटैक कर सकता हूँ। अब ये ऑक्सीजन यहाँ अटैक कर जाता है, कहता है भाई पास पास है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक करेंगे, प्लस माइनस को अट्रैक करेगा, सीधी सी बात है। तो क्या हुआ, देखो सी, ये दो बॉडीगार्ड तो इसके साथ पहले से चल ही रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे ओ है, ओ के साथ कौन सा ग्रुप लग गया, CH2, यहाँ CH2, और ये ओ इसके साथ कनेक्ट हो गया। सॉरी मैंने कुछ ज़्यादा ही पास दिखा दिया, इतना पास नहीं आता। ये इसके साथ क्या हुआ, अपना लोन पेयर इसको शेयर कर दिया, तो इसमें प्लस चार्ज आ गया और इसके साथ फिर हाइड्रोजन है। अब फिर क्या करेगा, गुस्सा किस पे निकालेगा, ये अपना हाइड्रोजन को बाहर कर देगा, ये दोनों ग्रुप अटैच हो गए। देखो इसके बाद क्या होगा, रिमूवल ऑफ H+, और H+ रिमूव होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देगा। तो क्या हुआ, देखो C के साथ O, CH2, CH2O लग गया। तो यही तो कह रहे थे हम, इसी को कह रहे थे हम साइक्लिक कैटल ग्रुप, ठीक है, दिस इज साइक्लिक कैटल। तो समझ में आ गया होगा आपको कि ये निकलेगा और ये फाइनली कौन सा ग्रुप बन जाएगा। तो फाइनली आपको ऐसा मिलेगा, देखो O C के साथ O, O CH2, CH2 ग्रुप, इसे कहते हैं साइक्लिक कैटल। तो ये इसकी मैकेनिज्म है। अब देखो इसमें आज का ये जो लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, वो है एडिशन ऑफ रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, ये पहले ही पता है, ये मैंने पढ़ लिया, देखो ऑलरेडी आपने पढ़ चुके हो आप, कि जो भी कार्बोनाइल ग्रुप होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल बनाता है, ठीक है, ये पहले भी आप पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी CO ग्रुप होगा, मैंने क्या कहा आपको, ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, माइनस वाला कहाँ जाएगा, प्लस के पास, प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस के पास, ठीक है। तो ये क्या हुआ, CH3C, यहाँ OMGBr। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, एसिड की प्रेजेंस में एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो देखो हाइड्रोलाइसिस में H+ OH- से एसिड टूटेगा, ये O के साथ H और MgBr के साथ OH, तो ये क्या बन गया, प्राइमरी अल्कोहल, C के साथ CH3, यहाँ H और ये OH, तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल। अब यहाँ पे अगर मैं CH3 लूँगा तो सेकेंडरी अल्कोहल, यहाँ भी CH3 लूँगा तो टर्शियरी अल्कोहल। तो इस तरीके से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी कोई भी अल्कोहल बना सकते हैं। तो फिर से देखो एक बार, क्योंकि एक एडिशन रिएक्शन फिर आएगी अभी अमोनिया की, उसमें भी सेम स्टेप है। तो एडिशन में आप समझ जाओगे कि एक ही हो रहा है, देखो यहाँ मैंने HH लिया और इसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऐड किया, कोई भी R ग्रुप होगा यहाँ पे MgBr, तो आपको पता है ये प्लस ये माइनस है, हर हमेशा ध्यान रखना है, ये भी माइनस ये प्लस, प्लस वाला माइनस के पास, माइनस वाला प्लस के पास। अब क्या हुआ, देखो ये CA तो सेम है, देखो HH, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लगेगा एक CH3 और यहाँ पे लगेगा OMGBr। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड का काम क्या, इसको तोड़ने का काम करता है, नहीं तो ये टूटता नहीं, कहता नहीं, तो तोड़ने का काम करेगा ये H+ और ये OH-, बस ये अल्कोहल बन गया आपके पास, ये दोनों ये ग्रुप हट गया यहाँ से। अब ये बन गया आपका प्राइमरी, अब मुझे चाहिए सेकेंडरी, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे CH3 लगा दिया, यहाँ पे देखो CH3 लग गया, ये क्या बन गया आपका सेकेंडरी। अब मुझे टर्शियरी चाहिए, तो मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, देखो दो CH3 ग्रुप लगा दिया, यहाँ भी दो CH3 ग्रुप लग गए, तो एक दो तीन बन गए टोटल, क्योंकि एक तो यहाँ से मिलेगा ना आपको, दो पहले से एक यहाँ से मिला, तो ये टर्शियरी बन गया आपके पास। तो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी कोई भी अल्कोहल आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना सकते हो। ये हमारे पास एक सेपरेट टॉपिक भी है, लेकिन जितनी भी रिएक्शन पढ़ते हो सब इस अलग अलग आ जाती है, तो आप सेपरेट पढ़ोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने की, क्योंकि सारी रिएक्शन उसमें इन्वॉल्व हो चुकी होती है। तो ये लेक्चर ख़त्म होता है, थैंक यू।